العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا. प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 13 अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशंस का सिलसिला जारी है पाकिस्तान भर में, और आज हम हैं विहाड़ी जोन में, शहर है बुरेवाला, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम भी तशरीफ ला चुके हैं. हमारे ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं. सबसे पहले इनका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो आगे निकल जाएगा फिर इंशाल्लाह ओरल टेस्ट के जरिए हम फिल्टर आउट करेंगे उन इस्लामी भाइयों को जो कि नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर आखिर में रुकने शुरू आजी अब्दुल नबी बतारी साहब दामद बरकातुम लालिया सेलेक्ट करेंगे वो 3 खुश नसीब इस्लामी भाई जो कि कराची में मेन मंच की जीनत बनेंगे और इस शहर बुरे वाला को ज़हनी आजमाइश सीजन 13 में रिप्रेजेंट करेंगे. आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेशन की तरफ जो है रिटन टेस्ट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम अतारी. सलीम भाई क्या करते हैं आप? मैं एफएससी मेडिकल कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में. माशाल्लाह. ये आज आपको ज़हनी आजमाइश का ऑडिशन का कहाँ से पता चला? ये हमारे कुछ दोस्तों ने भी बताया और कुछ हमने मदनी चैनल पर सुना उसके. माशाल्लाह. आपका शौक था ज़हनी आजमाइश में, पहले आपने प्रोग्राम्स इसके देखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन सारे प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश के देखे हैं. कैसा टेस्ट हो रहा है आपका? अच्छा टेस्ट हो रहा है? हां जी अच्छा टेस्ट हो रहा है. माशाल्लाह. पूरे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो कैसे तैयारी की आपने? इत्मीनान में शिरकत करके और मदनी चैनल देख के तैयारी की. और माशाल्लाह. और जो निसाब आपको मिला था पहुंचा है अब तक? आपने उसको भी पढ़ा है? हां जी पढ़ा है उसको भी. रिटन टेस्ट कंप्लीट हुआ जी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल. अब हम चेकिंग के मरले की तरफ बढ़ेंगे और चेकिंग के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं. तेरी रिज़ा सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. एक बहुत ज़बरदस्त ये मरहला होता है कि जिसमें आपको पेपर चेक करने होते हैं. ऑब्वियसली जिसने तैयारी की वो एक्सपेक्ट तो द बेस्ट कर रहा होता है. हमारे पास ज़्यादातर तलबा आमतौर पर दरस निज़ामी के होते हैं तो पेपर इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होते हैं. राइटिंग भी बड़ी अच्छी है जी बुरे वाला वालों की, और साथ के दीगर शहरों से भी लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अटैम्प्ट भी बहुत अच्छा किया हुआ है. देखते हैं कौन क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है और अच्छे अंदाज से नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करता है. पहला मरहला यानी रिटन टेस्ट का मुकम्मल हुआ, अब चेकिंग हुई, और चेकिंग के बाद हमारे पास 15 वो कैंडिडेट्स आए जो कि टॉप रैंक थे, यानी इनके नंबर सबसे अच्छे थे, राइटिंग अच्छी थी, इंफॉर्मेशन अच्छी उन्होंने लिखी, और उसके बाद कंसेंसस से जो हमने डिसाइड किया कि अब इन 15 को हम स्टेज पर बुलाएंगे और ओरल इंटरव्यू में इनको डिस्टल आउट यानी फिल्टर करेंगे. आइए इनके नाम सुन लेते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ओरल इंटरव्यूज की तरफ बढ़ेंगे. मोहसिन अत्तारी वल्द अब्दुल सत्तार MSCIT, तौकीर रजा वल्द जुल्फकार. ये थे जी वो 15 इस्लामी भाई जो कि हमने सेलेक्ट किए. अब इनके इंशाल्लाह ओरल इंटरव्यूज होंगे और हम इनमें से वो कैंडिडेट्स इकट्ठे करेंगे जो कि हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामद बरकातुम लालिया के सामने जाएंगे और वहां जाके इनमें से 3 रुकनी टीम का सिलेक्शन किया जाएगा. आइए बढ़ते हैं अपने ओरल टेस्ट की तरफ. 5-5 इस्लामी भाइयों को अब हम स्टेज पर बुलाएंगे. आप यहाँ तशरीफ रखेंगे, आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला होगा, और याद रखिएगा यहाँ आने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखें, हर तरह से अच्छे अंदाज से जवाब देने की कोशिश करें, जो सवाल किया जो उसे गौर से समझें. अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए. पहले 5 कैंडिडेट. नंबर 1 अजीज अत्तारी वल्द बख्तावर खान, रहमान अली वल्द अब्दुल मजीद. खुद को ऊंचा उड़ा. अजीज अत्तारी आप अपना कोई तारुफ करवाएं. माय नेम इज मोहम्मद अजीज सन ऑफ बख्तावर खान. मैं डीकॉम कर चुका हूं और आगे BScS में एडमिशन लिया है. BScS में आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? कंप्यूटर साइंस. आपने इससे पहले ज़हनी आज़माइश के प्रोग्राम्स देखे हैं टीवी पर? अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं. निजात का जरिया क्या है? निजात का जरिया इन 3 चीज़ों में है, अल्लाह अज़्ज़वजल की अताअत करो और अल्लाह अज़्ज़वजल पर अतमाद करो और किसी को अकीर न जानो. ठीक है जी अजीज भाई माइक दे दें रहमान अली. रहमान अली आप अपना तारुफ करवाएं. जी मेरा नाम रहमान अली है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल हमीद है.
सवाल है, मदनी काफले वगैरह में अगर किसी के पांव गर्द आलूद होते हैं तो उसकी क्या फजीलत है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, जिसके पांव राह खुदा में गुबार आलूद हो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम फरमा देता है। आपकी निस्बत ए नाना हुसैन, अगला मिसरा बताएं इसका। आपकी निस्बत ए नाना हुसैन है बड़ी दौलत ए नाना हुसैन। हैदर अली पहले अपना तारुफ करवाएं, आपने अपनी तालीम लिखी है बीएससी एमएससी, एमएससी के सब्जेक्ट में आपकी? केमिस्ट्री में सर। आपसे ये सवाल है, मोमिन और जाहिल दोनों में से किस तरह का सलूक करना चाहिए? मोमिन के साथ कोई बातमीजी या कोई बात सलूक ना की जाए और जाहिल के साथ जाहिलियत से ना पेश आया जाए। किसी भी अमल के मकबूल होने के लिए क्या शर्त है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, हजरत सैयदना रबी बिन खसीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर वो अमल जिसके जरिए अल्लाह की रजा और खुशनुदी मतलूब ना हो वो मर्दूद है। हैदर अली माइक अब तारिक अजीज को दे। हदीस पाक में माल की हिफाजत, मरीजों का इलाज और मसाइब का सामना किन तीन चीजों के जरिए करने का फरमाया गया? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने अम्वाल को जकात की अदायगी के जरिए महफूज कर लो, सदका के जरिए अपने मरीजों का इलाज करो और दुआ के जरिए मसाइब व आलाम का सामना करो। आगे चलें, मोहम्मद जुनेद। कराची किस सूबे का दारुल हुकूमत है? सिंध। दिख रहा हूं नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, दूसरा मिसरा। लिख रहा हूं नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। जी आप तमाम इस टाइम भी वापस तशरीफ ले जाइए, अगले पांच इस टाइम भी को हम बुलाएंगे। या खुदा इल्म दे। मोहम्मद वैस रजा तारी वल लियाकत अली, नुमान अली वल कुर्बान अली। वैसे क्या करते हैं आप? मैं दरस निजामी के साथ वैसाल में पढ़ रहा हूँ। फरमाइए कि जब गुस्सा आए तो गुसल क्यों कर लेना चाहिए? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ये शैतान की तरफ है, शैतान ये आग से पैदा किया गया है और आग ये पानी के साथ बुझाई जाती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो गुसल कर ले। मोमिन के लिए किस कदर दुनिया काफी है? हज़रत सैयदना हसन बसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मोमिन हमेशा सुबह और शाम गमजदा हालत में करता है, हत्ता कि उसे मौत भी गमजदा हालत में आती है, और मोमिन के लिए इतनी ही दुनिया काफ़ी है जिस तरह के एक बकरी के बच्चे को खुराक, यानी चंद मुट्ठी भर खजूर और एक घूंट पानी। ईमान की हकीकत हासिल करने के लिए इंसान को किस बात का यकीन रखना चाहिए? ईमान की हकीकत हासिल करने के लिए बंदे को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जो उसे मिलने वाला था ना वो उसे रुकने वाला नहीं था, और जो उसे नहीं मिला वो उसे मिलने वाला ना था। अच्छा आप ये बताएं, कौन से दो किस्म के लोग इल्म से महरूम रहते हैं? हसूल इल्म में हया करने वाला और मुतकब्बिर शख्स, ये वो दो शख्स हैं जो इल्म को हासिल करने में महरूम रहते हैं। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो जी चुके काबे का भी काबा देखो। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। ठीक है माशाल्लाह, नुमान अली तारी की तरफ बढ़ते हैं। या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। अली हसन भाई पहले आप किस सीजन में सेलेक्ट हुए थे? सीजन 12 में। कौन सी टीम थी आपकी? जी खान। आज आप पूरे वाला भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। हसन बसरी ताबई थे, तबा ताबई थे के साहबी थे? ताबई थे। ताबई थे। आला हजरत के नातों में से कोई तीन मक्ते सुनाए आखिरी से। वो रजा के नेजे की मार है कि अदो के सीने में गार है, किसे चारा जो ही कवार है, ये वार वार से पार है, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो को खैर मना शर न करें, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहम्मद जमाल अत्तारी वल्द अमीर खान, लोगों की कौन सी तीन किस्में हैं?
لوگوں کی تین قسمیں مسلمان کافر اور منافق اللہ عز و جل مسلمانوں کے ساتھ اطاعت گزاروں والا معاملہ فرماتا ہے اور کافر کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور منافق سے ہم اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کے برے اعمال اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر ایمان نہیں رکھتے مجد آباد ہے آسیوں شافع شہ ابرار ہے ثانیت ہے مجرم و ذات خدا غفار ہے اے کاش کہ آ جائے عطار مدینے میں بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کن تین ہلاکت خیز چیزوں کے خوف کو بیان فرمایا ہے؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر تین ہلاکت خیز چیزوں کا خوف ہے نمبر ایک بخل کی اطاعت نمبر دو خواہشات کی پیروی نمبر تین ہر صاحب رائے کا اپنی رائے پر فخر و تکبر کرنا اصل میں میں نے آڈیشن کی تیاری نہیں کی یا آڈیشن دیکھنے کے لیے آیا تھا اور ٹیسٹ دیا پاس ہو اس میں آپ کو دکھ ہے کہ خوشی ہے خوشی ہے ماشاءاللہ اچھا کس شہر میں بیٹھے ہیں آپ اس وقت یہ بتائیں بورے والے آپ کا اپنا شہر کون سا ہے کچی پکی آپ تشریف لے جائیں پانچ صدقہ اس علم کا محمد اویس رضا بل محمد لطیف حاجی سجاد بل محمد نظر جی اویس آپ کیا کرتے ہیں بارہویں جماعت کا طالب علم ہوں ایف ایس سی میڈیکل کر رہا ہوں لوگوں کی کون سی تین قسمیں ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں کی تین قسمیں ہیں مسلمان کافر اور منافق مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اطاعت گزاری والا معاملہ فرماتا ہے اور کافر کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور منافق وہ ہے جسے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اس کا ٹھکانا جہنم میں کافروں سے بھی بدتر ہے ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل چیز کیا دی گئی ہے ایمان کے بعد سب سے افضل چیز عقل ہے اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر عورت سر سے دوپٹہ اتار لے تو وضو نہیں ٹوٹا ہاں البتہ نہ محرم کے آگے دوپٹہ اتارنا جائز نہیں سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں حاجی محمد سجاد کو مائک دیجیے گا اس سے پہلے آپ نے ذہنی آزمائش کو مدنی چینل پر دیکھا ہے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سوال کریں انسان کی کون سی دو خصلتیں ہیں کہ اگر وہ درست ہو جائیں تو باقی تمام خصلتیں درست ہو جائیں گی اس سوال کا درست جواب یہ ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کی دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ درست ہو جائیں تو باقی تمام خصلتیں درست ہو جائیں ظالموں کی طرف میلان اور نعمتوں میں سرکشی مجد آباد ہے آسیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے اس کلام کا مقطع سنائیں آخری شعر گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے سوال یہ ہے کہ معراج کی شب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں پودے لگائیں تو حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ جنت کے پودے کیا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے پودے لا حول ولا قوت الا باللہ ہیں ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل چیز کیا دی گئی ہے ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل چیز عقل دی گئی ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا یہ سلائی کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو کیا عمل فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک شریف فرمایا کرتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں دکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر وقت سنائے اس کا آہا اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا
जान कर देता निछावर सब्ज गुंबद देख कर। मोहसिन भाई, वो कौन सी सूरत है जो तीन बार पढ़ी जाए तो पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह इखलास। कुरान की दुल्हन की सूरत को कहा जाता है? सूरह अर-रहमान। ये कौन सा सीजन है मदनी आजमाइश का? 13। मदनी चैनल के कोई से तीन प्रोग्राम्स के नाम बताएं। मदनी मुजाकरा, ज़हनी आजमाइश और खुले आंख सल्ले आला कहते हैं। खुशदाबाद है आसियों, शाफे शहे अबरार है। ताहनियत ए मुजरिमो, जाते खुदा गफ्फार है। ठीक है जी, अली हमजावर सनवर अली को दीजिए। अली, आपने लिखा है पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो पानी पीने से पहले क्या दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइटिंग तो बहुत खूबसूरत है माशा अल्लाह। पानी पीने के कोई सी तीन सुन्नतें और आदाब बताएं। पानी बैठ कर पीना चाहिए और पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना चाहिए। पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। रोज का रिज्क, रोज मिलना भी क्या खुश नसीबी है। जी बेशक खुश नसीबी। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अगला शेर सुना इसका। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदगार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जैसे वीरा पड़ा। क़िबला आजी अब्दुल हबीब तारिक में से तीन उन इस्लामी भाइयों का तायुन फरमाएंगे जो के बुरे वाला शहर को रिप्रेजेंट करेंगे, और मजीद तैयारी करके आइएगा क्योंकि जिस जगह पर आपने जाना है वहाँ पे कंपटीशन और सख्त होगा। मोहम्मद तौकीर रजा अत्तारी, वल्दियत जुल्फकार अत्तारी, अली हसन वल्दियत अब्बास अली, मोहम्मद अवैस रजा अत्तारी वल्दियत लियाकत अली, मोहम्मद अली हमजा वल्दियत सनवर अली, मोहम्मद जमाल अत्तारी वल्दियत अमीर खान। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इनका जो फाइनल राउंड होगा वो मुल्तान शरीफ में होगा, और मुल्तान शरीफ में क़िबला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के होस्ट भी हैं, वो इनमें से तीन इस्लामी को सिलेक्ट करेंगे जो कि बुरे वाला की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। रिहाड़ी में पहले हमारी टीम गई, वहां पर उन्होंने ऑडिशन किया। ऑडिशन के बाद ये छह इस्लामी भाई इन्होंने सेलेक्ट किए फाइनल ऑडिशन के लिए, और आज मुल्तान में ये छह इस्लामी भाई आए हैं, और इन छह में से हमें तीन सेलेक्ट करने हैं जो बराहे रास सिलसिलों में मदनी चैनल के सिलसिलों की जीनत बनेंगे। अली हसन क्या करते हैं बेटा? मैं BS उर्दू करता हूँ थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा, तौरात शरीफ में तमाम गुनाहों की जड़ किन तीन गुनाहों को कहा? तौरात शरीफ में तमाम गुनाहों की जड़ इन तीन गुनाहों को कहा गया है, तकब्बुर, हसद और हिर्स। कलाम कौन से याद है? निसाब वाले आला हजरत के, उसके अलावा लम्याती नजीरो, मोहम्मद मजहर कामिल है, शुक्र खुदा के आज खड़ी, और नेमत बांटता जिस संतोष। कर चुकी रिफअत काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। अगले भाई को माइक दें। मोहम्मद अली हमजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं बेटा? मैं जामियातुल मदीना बुरेवाला में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूं और साथ सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कलाम कौन से याद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के, और मुजदाबाद है आसियों, इसका मक्ता सुनाएं। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्ता, क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। मोहम्मद जमाल अत्तारी, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान अपने अमल की कबूलियत दुनिया व माफिया से उनको ज्यादा अजीज क्यों थी? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, हजरत सय्यदुना फजाला बिन उबैद रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह पाक ने राई के दाने के बराबर भी मेरा अमल कबूल फरमा लिया है तो ये मुझे दुनिया व माफिया यानी दुनिया और जो कुछ इसमें है से ज्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान आलीशान है, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तर्जमाए कंजुल ईमान, अल्लाह पाक उसी से कबूल करता है जिसे डर है। करूं मदह अहले दुवल रजा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है नान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस रजा अत्तारी बिन लियाकत अली अत्तारी।
अच्छा, दिन भर में 12 रकतें पढ़ने की क्या फजीलत है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में 12 रकतें अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गोश्त को जहन्नम पर हराम फरमा देगा। अच्छा, रुख दिन है या महरे समा, इसका मुझे मक्ता सुनाइए। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिये नगमा सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या नाम है आपका? तौकीर रजा ताई। मरजुल मौत में सूरह इखलास पढ़ने की क्या फजीलत है? हुजूर पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मरजुल मौत में सूरह इखलास पढ़ता है तो वो कब्र के फितने और उसके दबाने से अमन में रहेगा और क़यामत के दिन फरिश्ते उसे अपने परों पर उठाकर जन्नत की तरफ ले जाएंगे। क़िबले की तब्दीली का वाक़िया किस तारीख, किस दिन, किस जगह और किस वक्त पेश आया? हुजूर अलैहिस्सलाम को हिजरत किए हुए 1.5 साल 5.5 महीने हो चुके थे। आप 15 रजबुल मुरजब सोमवार के दिन बनी सलमा मस्जिद में जोर की नमाज़ अदा फरमाए तो 2 रकतें अदा हो चुकी थी और 2 रकतों के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम क़िबले की तब्दीली का हुक्म लेकर नाजिल हुए। वो जहां की बेहतरियां नहीं के अमानी ये दिलो जा नहीं, कहो क्या है वो जो यहां नहीं मगर एक नहीं के वहां नहीं। इस कलाम का मक्ता सुनाए। करू मद है अहले दुअर रजा पड़े, इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए, एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। मक्ता सुनाए इस कलाम का। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस्म ता आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अजीज अत्तारी सन और बख्तावर खान। अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, लोगों की कौन सी 3 किस्में हैं? लोगों की 3 किस्में हैं, मोमिन, मुनाफिक और काफिर। मोमिन के साथ अल्लाह अज़्ज़वजल के अताअत गुजारों जैसा सलूक किया जाएगा, काफिर को जलील और रुस्वा किया जाएगा, और मुनाफिक से हम अल्लाह अज़्ज़वजल की पनाह चाहते हैं। ये बताइए कि कौन से 2 किस्म के लोग हुसूल इल्म से महरूम रहते हैं? 2 किस्म के लोग हुसूल इल्म से महरूम रहते हैं। नंबर 1 हुसूल इल्म में हया करने वाला, नंबर 2 मुतकब्बर। हर चरागे मजार पर कुदसी, कैसे परवाना वार फिरते हैं उस गली का जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। इसका मक्ता सुनाए। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजाए मुसल्लम, जिस्म ता आगे हो सिक्के बैठा दिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहाड़ी की टीम अब सेलेक्ट करने का मौका मिला। वैसे भी ये 6 इस्लामी भाई सारे ही काबिल हैं और ये माशाल्लाह 6 के 6 ऐसे हैं कि सभी सेलेक्ट होने के काबिल हैं। हमने जो 3 सेलेक्ट किए हैं इंशाल्लाह अब उनको कराची का गोया टिकट दिया जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये अपने शहर की नुमाइंदगी करेंगे। पहले नंबर पर जो सेलेक्ट हुए हैं अली हसन वल अब्बास अली माशाल्लाह। दूसरे नंबर पर मोहम्मद अजीज अत्तारी वल्द बख्तावर खान और तीसरे नंबर पर मोहम्मद तौकीर रजा अत्तारी वल्द जुल्फिकार अली। तो ये 3 इस्लामी भाइयों को इंशाअल्लाह बारी बारी रुकन शूरा के साथ आई सब माशाल्लाह माशाल्लाह अब आगे लेके जाना है। चलें भाई आ जाए बख्तावर खान साहब, इब्ने बख्तावर खान आपको बड़ी मैंने उससे चूज किया है कि आप और तैयारी करके आएंगे। दावत इस्लामी के माहौल में ना इस तरह एक्टिव ना होते हुए इतने अशार का याद हो जाना, इट्स होप कि ये बहुत आगे जाएंगे। माशाल्लाह बेटा आपने भी भरपूर तैयारी करनी है और बाकी ये 3 भी बड़े कमाल के हैं लेकिन मजबूरी है मेरे पास, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह आप सबका भी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया रब तेरा। العلم